नीट्स की ओर से रविवार को भंडारी डी रोड स्थित होटल संगम गार्डन में भव्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार सरजेसी बोस बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य मुन्ना कुशवाहा मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं अन्य अतिथि के तौर पर शिक्षा जगत से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित थे। आयोजक में नीट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार मिस्त्री और जनरल मैनेजर उज्जवल गुप्ता की देखरेख में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह के दौरान बेहतर शिक्षा प्रदान करने वाले जिले के लगभग 150 शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत पंकज कुमार मिस्त्री ने कहा कि समाज को नया आकार देने वाले प्रतिष्ठित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और जुनून के लिए सम्मानित किया गया। उज्जवल गुप्ता ने कहा कि 2015 में स्थापित नीट्स आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। आने वाले समय में नीट्स गिरिडीह के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों से जोड़कर आधुनिक चुनौतियों से सामना करते हुए रोजगार मुहैया कराने का काम करेगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें बच्चों के भविष्य बनाने में अंदर से मेहनत करने का जज्बा प्राप्त होता है। इन्होंने नीट्स के डायरेक्टर से सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की अपील की है ताकि उन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। मौके पर माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद, हाई स्कूल डोरंडा के प्रचार विनोद यादव, संजीव कुमार और अन्य शिक्षक मौजूद थे। संस्था है और शिक्षकों के इसको सम्मानित करने के लिए और अपने शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अभूतपूर्व योगदान रहा है उनको सम्मानित करने के लिए संस्था बहुत अग्रणी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के कार्य क्षेत्र को, हम लोग की कार्यशैली को उन्होंने पहचाना है और सभी शिक्षकों के मंच पर लाया है। कह सकते हैं कि प्रकार का शिक्षक समागम है। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप किसी तरह शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते रहिए और जिससे भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और विशेष करके इनकी संस्था का एक योगदान है कि उन वैसे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे ला रहे हैं, ये शिक्षित कर रहे हैं, काम का लिया उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं संस्था के जो प्रभारी हैं मिस्त्री सर, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज गिरिडीह में होटल संगम गार्डन में शिक्षकों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजन किया गया क्योंकि उन्होंने अपने अमूल्य समय और अमूल्य मेहनत कर समाज को एक नया आकार देने का कार्य करते हैं, इसलिए उनके सम्मान के लिए यह आयोजन था। वर्ष 2015 से नीट्स विगत देश के विभिन्न विभिन्न कोनों में जाकर इस तरह का आयोजन करते रहती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गिरिडीह में की गई है। नीट्स गिरिडीह के बच्चों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रमों को लाकर उन्हें उनसे जोड़कर तथा उन्हें आधुनिक चुनौतियों से सामना करते हुए रोजगार से जोड़ने का कार्य करेगी, इसके लिए नीट्स अग्रसर हो रहा है। धन्यवाद। आज गिरिडीह में 8 सितंबर सुबह 10:30 बजे से हमारा कार्यक्रम था जिसमें हमने 150 टीचरों को सम्मानित किया नीट्स की तरफ से और हमारा फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे ही इवेंट टीचर्स के लिए करते जाएंगे। सरसिया नगर निगम वार्ड नंबर 12 में स्थित पद्मावती एनक्लेव में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK एवं 4 BHK के रूम के फ्लैट उपलब्ध है। यहां पर 2 सीढ़ियां और 2 लिफ्ट की सुविधा, बिजली पानी एवं पार्किंग की सुविधा एवं लिफ्ट और पानी जनरेटर द्वारा संचालित है। बिल्डिंग का अपना ट्रांसफार्मर, CCTV एवं गार्ड की सुविधा, लगभग 8 फीट चौड़ा और 140 फीट लंबा गलियारा एवं 16 फीट चौड़े रोड की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हवादार एवं पर्यावरण के अनुसार एवं शहर के शोरगुल से दूर शांतिपूर्ण माहौल भी है। यहाँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स और राज्य पुलिस के लिए 3% की छूट दी गई है। यहाँ सभी तरह के फ्लैट किफायती दर पर उपलब्ध है, तो इस मौके का फायदा उठाएं और अपना मनपसंद आशियाना खरीदें। हमारा पता पद्मावती एनक्लेव सरसिया, नियर बिरसा चौक, गिरिडीह।